अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है मटर का छोला या रगड़ा, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे, रगड़ा भी बोल सकते हो और मटर का छोला भी बोल सकते हो। और उसके साथ मैंने बना दी है गर्मा गर्म पूड़ी, जो मेरे आटे बचे हुए थे कल के उसी की मैंने बना दी है आज पूड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात में ही मैंने इसे भिगो के रख दिया था ताकि इसका मॉर्निंग में मैं नाश्ता बना दूँ। दो चार कुछ दाने थे इसमें चने के भी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। जिस पानी में मैंने इसे भिगो के रखा था उस पानी को मैंने फेंक दिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है और हल्दी डाल दी है आधा टेबलस्पून। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे नहीं तो कुकर से पानी बाहर सीटी में फेंकने लगता है। तो एक हिसाब हसबे ज़रूरत। और कभी भी बॉईल करने के लिए रखें तो हाई फ्लेम पे ना रखें, मीडियम फ्लेम पे ही रखें ताकि अगर पानी एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो बाहर ना निकले। तो कुकर को बंद कर दिया है, अब लगा देते हैं इसकी सीटी जब तक कि ये गल ना जाए। मटर है तो कुछ टाइम लगेगा शायद गलने में, 4 से 5 सीटी भी लग सकती है। ठीक है, एक बर्तन में मैंने ऑयल डाल दिया है, कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, मीडियम 3 चम्मच बोल सकते हैं। ठीक है, और चॉपकी हुई प्याज, बारीक कटी हुई प्याज है मेरी, अंडे की जैसे भुर्जी का कटा हुआ प्याज होता है उसी तरीके से मैंने इसमें प्याज ले ली है। हाँ, तेल डालने के बाद आप इसमें लहसुन कट करके डालिए, तेल के बाद डालिए, मैं भूल गई थी तो इसलिए मैंने अभी डाल दिया है। पहले आप इसमें लहसुन ऐड करिए, वो थोड़ा सा ब्राउन होता है तो फिर हम ये प्याज को डाल के गोल्डन फ्राई कर लेंगे। पहले हमें लहसुन डालना है, उसके बाद प्याज डालनी है। जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे और बारीक कटे हुए टमाटर, एक मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है और 4 से 5 मिर्ची ऐड की है, आप देख सकते हैं। और इसे भून लेना है अच्छे से, टमाटर का पानी जल जाए इस तरीके से भूनना है। प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, मीडियम गोल्डन रखिए नहीं तो जला जला हुआ दिखेगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू मैश किया हुआ, थोड़ा सा मैंने मैश कर दिया था और इसे भी अच्छे से इन सारी चीज़ों में भून लेना है, कच्चा नहीं भूनना है, थोड़ा अच्छा भुना जाए, हल्का गोल्डन हो जाए। और डाल देंगे थोड़ा सा नमक, मैं हर चीज़ों में थोड़ा थोड़ा नमक डाल रही हूँ, ज़्यादा किसी में नहीं डाल रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको इसे भूनना है और जो हमारे मटर बॉईल हो चुके हैं उसको इसमें डाल देंगे। चलाते हुए इसे पका लें। अभी मैंने सिर्फ इसमें मटर डाला है वो सारी चीज़ें भूनने के बाद। और ये मेरा है रगड़ा मसाला जो मैं छोला मसाले में भी यूज़ करती हूँ जब छोला बनाती हूँ तो, और रगड़े में भी यूज़ करती हूँ। और इमली का पानी ऐड कर दिया है मैंने, सारी चीज़ें मेरी पक गई है, ईजिली ये छोला बोलो या रगड़ा बोलो झटपट रेडी हो गया है। और गर्मा गर्म पूड़ी के साथ ये इतना लाजवाब लग रहा था ना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग पूड़ी तलते गए और छोला खाते गए, इकरा पूड़ी बेलती गई और मैं तलते गई, और गर्मा गर्म नरम पूड़ी देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई थी पूड़ी। जिस तरीके से मैंने आपको बताई है इससे पहले वाली वीडियो में, बस उसी तरीके से आप पूड़ी बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।